पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे बात। कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा क्यों करते हो ढोंग। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद, कई और मंत्री भी होंगे चाय पर चर्चा में शामिल। आज मनाया जाएगा मंडल दिवस, आरजेडी करेगी शक्ति प्रदर्शन, मोदी सरकार के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, तेजस्वी की अगुवाई में सड़कों पर उतरेंगे नेता। मिशन उत्तर प्रदेश पर बीजेपी, आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा, लखनऊ आगरा में होने वाली बैठकों में होंगे शामिल। किसान संसद ने सरकार के खिलाफ पारित किया अविश्वास प्रस्ताव, कहा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। सांसद चिराग पासवान का दावा, पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश कर रहे चालाकी, बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। महामारी के बीच बिहार में आज से जनता को मिलेगी राहत, आज से खुलेंगे स्कूल, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल। आज होगी राजकुंद्रा की बेल पर सुनवाई, न्यायिक हिरासत के खिलाफ दायर की गई थी अर्जी, 19 जुलाई को राजकुंद्रा को किया गया था गिरफ्तार। देश में 24 घंटे में 38,628 नए मामले, 617 मरीजों ने गवाई जान, वैक्सीनेशन अभियान के तहत भारत में 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। मौसम बढ़ाएगा लोगों की परेशानी, दिल्ली और यूपी के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी। विदेशों में बढ़े कोरोना के केस, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया, आर्थिक गतिविधियां खुलने के साथ ही बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। तालिबान और अफगानिस्तान की कलह पर बोला भारत, सद्भाव से वार्ता में शामिल हो, हिंसा का रास्ता छोड़े, अन्य आतंकी संगठनों से नाता तोड़े। यूएस दौरे पर गए इराक के पीएम मुस्तफा अली कदीमी, लौटते वक्त साथ ले आए लूटी हुई 17,000 कलाकृतियां। पृथ्वी के नजदीक आ रहा है सोने चांदी से भरा उल्ल का पिंड, नासा ने बताया अरबों खरबों से भी कीमती है छोटा टुकड़ा। चीन में मिली दुनिया की सबसे पुरानी टकसाल, रिसर्च में हुआ दावा, 2600 साल पहले बनाया गया था पहला सिक्का। इस साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल, केंद्रीय बैंक निजी डिजिटल मुद्रा को लेकर चिंतित, आरबीआई ने बनाया प्लान। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, आज से तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई के बीच पटरी पर दौड़ेगी, ट्रेन सप्ताह के 4 दिन शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार को चलेगी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी, आज और कल नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल, मेंटेनेंस एक्टिविटीज के चलते सुविधा बंद। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी बदलाव नहीं, आज भी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.84 रुपए जबकि डीजल के दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर। आईपीओ लाने वाली कंपनियों के प्रमोटरों को मिली राहत, लॉक इन पीरियड को 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया।